दोस्तों ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो कोवर्कर्स की है जो 5 दिनों के लिए एक लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। अब उन दोनों के साथ वहाँ पर क्या क्या होता है यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम जेनिफर को देखते हैं जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गाय नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो भी अपना काम पूरा करके वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहा था। फिर गाय लिफ्ट में चढ़ता है और उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है और फिर गाय जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्रॉइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद था। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वो लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद गाय लिफ्ट में लगे हुए कॉल और इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों वहाँ पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश भी करते हैं पर उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते। अब जेनिफर घबराने लगी थी क्योंकि वो 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। फिर कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए जेनिफर गाय को ऊपर चढ़ाने को कहती है ताकि वो उस इमरजेंसी एग्जिट का पता लगाकर वहाँ से बाहर निकल सके। पर वो लिफ्ट पूरी तरह पैक्ड होती है इसलिए जेनिफर को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। फिर जेनिफर गाय को कहती है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो गाय उसे अपने पानी की बोतल देता है। गाय के पास एक वाइन की बोतल भी होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट लग जाती है पर वो ये गाय के सामने नहीं कर सकती थी और फिर वो जेनिफर को उसके खाली थर्मस में टॉयलेट करने को बोलता है। अब जेनिफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो उस थर्मस में ही टॉयलेट करने लगती है। अब बहुत समय बीत चुका था और वो दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्रॉइंग बनाने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्रॉइंग दिखाते हैं। गाय ने जेनिफर की बहुत ही सुंदर ड्रॉइंग बनाई थी पर जेनिफर ने गाय की बहुत ही फनी ड्रॉइंग बनाई थी। फिर गाय कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं। फिर सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। इसके बाद गाय की बारी आती है और वो बताता है कि वो पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और उसने उसके साथ कार में किया था। इसके बाद गाय जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इंटीमेट के बाद गाय जेनिफर को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है पर इस पर जेनिफर गाय को कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है और जब वो स्लिप से बाहर निकलेगी तो वो सीधा अपने एक्स के पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गाय जेनिफर को कहता है कि वो उसके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है पर जेनिफर उसे कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस कैजुअल था।